दोस्तों हमारी आज की मूवी एक स्केच आर्टिस्ट के बारे में है जिसके बोल्ड पेंटिंग्स बनाने की वजह से वो हमेशा ही सामाजिक विवादों में फंसा रहता था। फिर एक दिन उसके यहाँ एक हस्बैंड वाइफ आते हैं जिसमें से वाइफ वहाँ आके दो आदमियों के साथ इंटीमेट होती है और इन सब के बारे में उसके पति को कुछ भी पता नहीं चलता। सो मूवी की इंट्रो से आप समझ गए होंगे कि आज आप क्या क्या देखने वाले हो। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एंथनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बीस्ट भी होता है, इसलिए फादर के चर्च उसे नॉर्मन नाम के आदमी के पास बात करने के लिए भेज रहे हैं। दरअसल नॉर्मन ने क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड एक पेंटिंग बनाई है, मतलब वो एक बोल्ड पेंटिंग है, इसलिए क्रिश्चियंस को नॉर्मन की उस पेंटिंग से काफी प्रॉब्लम हो रही है और वो नहीं चाहते कि उसकी ये स्केच आर्ट एग्जीबिशन में प्रेजेंट हो। इसलिए फादर एंथनी को नॉर्मन से इस बारे में बात करने के लिए भेजते हैं ताकि वो उसे मना के रोक सके। अब एंथनी अपनी वाइफ एस्टेला के साथ नॉर्मन के घर के लिए निकल जाता है। अब नॉर्मन के घर पहुंचने पर एंथनी और एस्टेला देखते हैं कि इसके घर पे अभी कोई नहीं है, इसलिए ये लोग काफी थक चुके थे और बाहर ही लेट जाते हैं। फिर जब इनकी आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि नॉर्मन अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ इनके सामने ही खड़ा हुआ है। यहाँ नॉर्मन अपनी वाइफ रोज और दो बच्चों के साथ रहता था और इसके अलावा नॉर्मन की यहाँ तीन असिस्टेंट भी होती थी जो उसकी पेंटिंग बनाने में हेल्प करती थी, जिनका नाम सीला, गिटी और एला होता है। जिसके बाद नॉर्मन गिटी और सीला से एस्टेला को उसका रूम दिखाने को बोलता है और रूम में पहुंचने के बाद सीला और एस्टेला के बीच कुछ बातें होती हैं, जहां सीला एस्टेला से बोलती है, क्या तुम नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे साथ स्विमिंग करने के लिए पास में चलना चाहोगे। इसके बाद एस्टेला और एंथनी नॉर्मन का स्टूडियो देखने के लिए जाते हैं और यहाँ ये दोनों काफी सारी बोल्ड पेंटिंग्स देखते हैं जिन्हें देख के ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि तभी वहाँ गिटी आ जाती है जो इन्हें बताती है कि नॉर्मन अपनी नेक्स्ट पेंटिंग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं और इस नई पेंटिंग का नाम उन्होंने सायरन रखा है। दरअसल सायरन एटलस में रहने वाली औरतों को कहा जाता है क्योंकि उनकी आवाज बहुत ज्यादा सुरीली होती है, बट मैं इस चीज को नहीं मानती, मुझे ये बस एक कहानी लगती है। वेल इसके बाद गिटी एंथनी और एस्टेला को खाने की टेबल पे आने को बोलती है। फिर खाने के टेबल पे एंथनी नॉर्मन से पूछता है, नॉर्मन भाई तुम जो ये बोल्ड पेंटिंग बनाते हो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये बोल्ड पेंटिंग हमारे समाज पे बुरा इम्पैक्ट डालती होंगी। तो नॉर्मन भाई अपना ज्ञान देते हुए, देखो ये आर्टिस्ट के ऊपर होता है कि वो अपने आर्ट के थ्रू दुनिया को क्या दिखाना चाहता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। बाकी दूसरी साइड से देखा जाए तो मेरे आर्ट को देखने वाले इंसान कैसे होते हैं, वो क्यों मेरी आर्ट में बस गंदी चीजें ही देखते हैं, वो कला क्यों नहीं देखते इसके अंदर। पर इसमें एंथनी भाई साहब बोलते, देखिए सर आपकी बात तो सही है, बट हम जिस समाज में रहते हैं हमें उस समाज के हिसाब से चलना चाहिए और आप तो एक महान स्केच आर्टिस्ट हैं, तो आप चाहो इन बोल्ड पेंटिंग की जगह कुछ और डिजाइन कर सकते हो। इसके बाद एंथनी भाई एस्टेला के साथ अपने रूम में सोने जाते हैं और जहां इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट डे ये दोनों यहां से निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सीला और गिडी एस्टेला को अपने साथ स्विमिंग पूल में जाने के लिए लेने के लिए आती है। फिर हम देखते हैं कि सीला और गिडी तालाब के पास पहुंच के पूरे कपड़े उतार देती हैं और नहाने लगती हैं और ये बात एस्टेला को काफी अजीब लगती है। पर तभी वहां किसी के आने की आवाज आती है जिसे एस्टेला देख लेती है और वो इसके बारे में जल्दी से सीला गिटी एला को बताती है, पर कोई भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वहाँ नॉर्मन का मेल मॉडल डबलिंग होता है जो बेचारा ब्लाइंड होता है, इसलिए सीला और बाकी की लड़कियों को उससे कोई खतरा नहीं होता। साथ ही साथ ये लड़कियां डबलिंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन डबलिंग थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से चुपचाप चला जाता है। पर एस्टेला के लिए ये सब कुछ काफी अजीब था क्योंकि उसकी जिंदगी में ये सब कुछ पहली बार हो रहा था, इसलिए वो वापस वहां से घर आ जाती है और घर आने पे उसे एंथनी से पता चलता है कि ट्रैक टूटा होने की वजह से अभी कुछ दिन ट्रेन नहीं चलेगी और हमें ना चाहते हुए भी यहीं रुकना पड़ेगा। इसके बाद रोज एंथनी और एस्टेला को लेके अपना विलेज दिखाने के लिए आती है, जहां इन्हें पता चलता है कि यहां के लोग नॉर्मन की बनाई हुई पेंटिंग्स की वजह से इन लोगों को पसंद नहीं करते। हालांकि नॉर्मन और रोज पे इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे एस्टेला भी सीला गिटी और एला की तरह बनती जा रही थी, उसकी विचारधारा भी उसी की तरह होती जा रही थी क्योंकि उसके अंदर भी सीला और गिटी की तरह बनने की इच्छा जागरूक होने लगी थी। और वो एक दिन चुपके से डबलिंग को बिना कपड़ों के लेटे हुए देखती है, जहां डबलिंग के पास एक डॉग भाई भी बैठे होते हैं। पर डबलिंग भाई को ये एहसास हो जाता है कि कोई उसे चुपके से देख रहा है, इसलिए वो जानबूझ के उसी पेड़ पे चाकू फेंक के मारते हैं जिस पे एस्टेला छिपी होती है, जिसे देख के एस्टेला काफी डर जाती है और वो जल्दी से भाग जाती है। और घर वापस आते समय रास्ते में उसे सीला गिटी और एला मिलती है और ये तीनों लोग एस्टेला को अपने साथ एक पब में ले जाते हैं, जहां बैठ के ये खूब सारा पानी पीते हैं और पीते पीते ये लोग पब के बाहर आके बैठ जाते और खूब सारी मस्ती मजाक करते हैं। और यहां हम देखते हैं कि एस्टेला को भी ये सब कुछ अब अच्छा लगने लगा है, जिसके बाद हम
देखते हैं कि सीला और गिट्टी एला को खुले आसमान के नीचे सीड्यूस करने लगते हैं और ये देख के एशला से भी रहा नहीं जाता तो वो भी उनके पास आ जाती है। पर तभी वहाँ एंथनी आके ये सब कुछ देख लेता है लेकिन वो एशला से बिना कुछ बोले वापस वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ही चारों सुंदर महिलाएं चुपके से डेवलिन भाई को देख रही होती हैं। और यहाँ इनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि गिट्टी डेवलिन को पसंद करती थी। हालांकि सीला को इस बारे में पता होता है कि गिट्टी और डेवलिन एक दूसरे से काफी मोहब्बत करते हैं और इसलिए ये तीनों लोग एशला को वहीं एक पेड़ से बांध कर चले आते हैं और बेचारी एशला को डेवलिन भाई आके रिहा करते हैं। और इस वक्त एशला के फेस पे एक स्माइल होती है और अब एशला वापस घर आ जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां गिट्टी नशे की हालत में पूरी तरह डूबी होती है और एशला बेचारी उसे संभालती है और गिट्टी को उसके रूम में सुला आती है और अपने रूम में वापस आती है। और आज के दिन के बारे में वो अपने हस्बैंड एंथनी को सब कुछ बताने की कोशिश करती है लेकिन एंथनी बोलता है प्लीज मुझे मत बताओ क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बातें हस्बैंड और वाइफ के बीच छुपी ही रहे तो अच्छा रहता है। और इसी तरह बात करते हुए दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और रात को पलंग पे प्यार करते हैं। लेकिन प्यार करते हुए एशला समझ चुकी थी कि उसका पति उसे संतुष्ट नहीं कर पाता लेकिन एंथनी के प्यार में एशला को कुछ कमी लगती है, इसलिए एंथनी के सोने के बाद वो डेवलिन के रूम में जाती है जहां वो डेवलिन के साथ भी इंटीमेट होती है। फिर नेक्स्ट डे गिट्टी एशला को बताती है कि मैंने कल रात नशे की हालत में डेवलिन के साथ किसी को इंटीमेट होते हुए देखा है लेकिन वो कौन थी इसका मुझे याद नहीं। अब गिट्टी के मुंह से ये बात सुनकर एशला बहुत डर जाती है और घर जाते ही वो एंथनी से बोलती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिस पर एंथनी बोलता है कि कल ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर रात को एशला गिट्टी के पास आती है जो उसे तैयार करके और अपने जैसा गेटअप देके एंड अपनी परफ्यूम लगा के डेवलिन के साथ सोने के लिए भेज देती है। और फिर नेक्स्ट डे गिट्टी एशला को बताती है कि उसने लास्ट नाइट डेवलिन के साथ काफी एंजॉय किया पर मैं डेवलिन से प्यार नहीं करती। पर यहाँ हम गिट्टी की बातों से समझ सकते हैं कि उसे सब कुछ पता चल चुका है कि एशला ने ही गिट्टी को जानबूझ के अपनी जगह भेजा था पर वो एशला को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। और यहाँ हम देखते हैं कि एंथनी की नॉर्मन के साथ लड़ाई चल रही है उसकी नई पेंटिंग साइरन को लेके, क्योंकि नॉर्मन ने इस पेंटिंग के साथ उसकी बीवी एशला को भी बनाया हुआ था वो बिना कपड़ों के। पर इसके अपोजिट जब एशला इस पेंटिंग को देखती है वो इसे बहुत पसंद आती है। अब ये देख के एंथनी को एशला पे काफी गुस्सा आता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने रिश्ते की कमी को समझ चुका था कि क्यों एशला के अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। फिर उसी दोपहर एंथना और स्टेला अपना सामान पैक करके वहां से चले जाते हैं और बेचारी सीला गिट्टी और एला इन दोनों को बड़े प्यार से बाय बोलते हैं। लेकिन ये स्टोरी यही एंड नहीं होती क्योंकि ट्रेन में हम एस्टेला और एंथनी को एक साथ देखते हैं जहां एस्टेला एंथनी को ट्रेन में बैठे सभी लोगों के सामने चुपके चुपके पैरों से सेड्यूस कर रही थी जो कि एंथनी को भी काफी अच्छा लग रहा था। और हम देखते हैं कि एंथनी का भी मूड एस्टेला को लेकर काफी पॉजिटिव हो चुका है और एस्टेला को अब धीरे धीरे नींद आ जाती है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। सो दोस्तों मूवी कैसी लगी फटाफट कॉमेंट करके बताना एंड थैंक फॉर वॉचिंग।